हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी जो आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फिलहाल इस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं है, बट ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो होने की। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो, इतनी सिंपल। अनफॉर्चुनेटली दिस इज माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम सिंस सो लॉन्ग टू मेक वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने काफ़ी सोचा था कि मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, वैसे रिकॉर्ड करूँगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और ज़्यादा समय ये सब सोचने में और मैं वेस्ट करता तो शायद ये वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती। तो अब जैसा है, यही मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक कहानी किससे। जैसा कि हम लोग एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं फार्मेसी के स्टूडेंट्स, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम लोग हॉस्पिटल विजिट और रूरल विजिट करेंगे। उसमें अलग अलग जगहों पे जाएंगे और हम बताएंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे तो मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखी हुई है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आई लिंक पे आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्या होता है कि कई बार हमें दवाइयाँ जो होती हैं उन्हें कम से कम मात्रा में यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मल अपना घर में रह सकते हैं या फिर 4-5 दिन का रेस्ट करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, अच्छे से पानी पी के, खाना खा के, अच्छा से हाइजीन एक मेंटेन करके। लेकिन वहीं आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पर आपकी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, हम चले जाते हैं ऐसे ही डॉक्टर के पास या फिर ऐसे ही फार्मेसी पे, तो हम जाके बोलते हैं हमें फ़ीवर है, हमें दवा दे दीजिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा सीरियस है तो आप डॉक्टर को एक बार दिखा लो या फिर अपने मन मुताबिक दवा ना लें। उससे क्या होता है कि अगर हम अपने मन मुताबिक दवा जो लेते हैं, कई बार उन दवाओं की हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर गांव में चले जाएँ तो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है उसको, वो कई बार आप बोलेंगे मुझे बुखार है तो वो आपको कुछ नहीं तो 4-5 गोलियाँ दे देगा। उससे होगा क्या कि आपने, आपके बॉडी ने सिर्फ 2 ही दवा काम करनी थी, लेकिन आपने जो 2-3 एक्स्ट्रा दवाएँ खाएँ वो आपको जाके वहाँ पे नुकसान पहुँचाएगा। ऐसे ही अगर फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ा आपको एंटीबायोटिक्स की, अगर वो बाय चांस एंटीबायोटिक्स उस वक्त काम कर दे, फिर एक बार और ज़रूरत पड़ा, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है, जिससे आपको वो एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी पे काम करना बंद कर देगा। तो इसी बारे में हम लोग ने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई। हम लोग हॉस्पिटल्स में गए, जो लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल है वहाँ पर, और कुछ लोग अलग अलग गाँव में गए नज़दीक के, वहाँ पर जाके सबको जागरूक किया कि कैसे एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए सही जगह पर या फिर सही डॉक्टर से दिखा के। तो यही हम लोग ने सेलिब्रेट किया। आपको मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा क्लिप उसमें।